अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड बेकिंग विद ईर्सा उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी का वेट कर रहे होंगे आज हम बनाने चाह रहे हैं जी बहुत ही मज़े का गजरेला बहुत इजी है बनाना और बहुत झटपट बन जाता है मतलब इस पर ये फिरनी के तरह नहीं होता है। जैसे जिसके के सर के ऊपर खड़े होकर इसको बनाना पड़ता है आप इसको आ, हर चीज़ हर इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करके तो इसको आप हल्की पे पकने के लिए छोड़ सकते हैं ठीक है जैसे कि फिरनी में और खीर में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो नीचे लग नहीं जाता है इसका भी एक टाइम आता है लेकिन चले देखते हैं कैसे बनाते हैं बुढ़ बड़ा ही अच्छा बनता है और बड़ा ही मज़े का यहाँ में मैंने ना तीन लीटर दूध ले लिया ठीक है और इसको अब हम बॉयल कर रहे हैं ये देखें ठीक है तेज़ आँच मैंने इसको बॉयल करने रख दिया है ठीक है फ्रेश मिल्क है ये और थ्री के जी है तीन लीटर ठीक हो गया हमारे दूध को बॉयल आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए मैंने हाफ कप मैंने राइस लिए हैं अच्छा ये नए चावल हैं आजकल आपको पता है नए चावल आए हुए ये मीठे होते हैं वो ज़रा ठीक है तो इसको मैंने जो है वो अच्छे से भिगो के रखा हुआ है भिगो धो के भिगो दिया है ठीक है सॉक करने रखा हुआ है अच्छा दूसरी तरफ ये देखिए दूध को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पकते हुए पंद्रह से बीस मिनट हो गए थे तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये झटपट वाली झटपट वाला गजरेला है तो क्योंकि यहाँ पे दस से पंद्रह मिनट दूध को पकते हुए हो गए हमने हर चीज़ दूध में पकानी है तो यहाँ ये देखिए मैंने तीन बड़े साइज़ की गाजर ले ली थी उन्हें मैंने अच्छे से जो है वॉश करके और साफ़ करके ऊपर से और श्रेड कर लिया सॉरी ग्रेड कर लिया उसको अच्छे से और ये इसके अंदर जो है वो मैंने डाल दिया दूसरी तरफ फिर राइस जो सॉक किए हुए थे वो इसको हम क्या करेंगे कि हाथों की मदद मतलब से थोड़ा थोड़ा जो है इसको तोड़ लेंगे उससे अच्छे से ये जो है दूध में रच बस जाएंगे मतलब मिक्सचर सजना वैसे भी नए चावल जल्दी जो है वो पक जाते हैं और गल भी जल्दी जाते हैं तो हमें इसी तरह से ये चाहिए थी इसलिए मैंने इसमें जो है नए चावल लिए हैं अच्छा ये भी डाल दिया और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और साथ में हम इसके ऐड कर देंगे तीन इलायची जो कि मैंने तोड़ के और उसको दानों से मैं डाल दिया, दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे अब इसका प्रोसेस ये खुद से ही पकता रहेगा आ, आ, बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना है आप दस से पंद्रह मिनट के बाद इसको आके चेक करें इसको एक दफ़ा मिक्स कर दें और साइडें इसकी साफ़ कर दें ताकि ये इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चलता जाएगा कि लगी लगी तो नहीं है और पकती भी जाएगी खुद से तो यहाँ मैंने एक कप चीनी का लिया था जिसे जिसमें से मैंने तकरीबन दो से तीन चम्मच बचा लिया जो कि मुझे ज़्यादा लग रही थी अगर जो है मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ये भी साथ में डाल दूँगी तो मैंने ये लास्ट ये मैंने में ही मैंने ऐड कर दी थी इट मीन्स कि पूरा वन कप इसमें जो है वो चीनी का गया तो ये देखें जब तक सब चीज़ें डालने के बाद आपने तब तक इसके सर पर खरीदा ना जब तक इसको उबालना आ जाए और ये इसमें बबल्स नहीं बनने लग रहे ये देखिए अब इसमें बबल्स बनने लग गए हैं अब हमने इसको छोड़ दिया पकने के लिए और यहाँ से तकरीबन यहाँ पर तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट हो गए थे खीर को पकते हुए और आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने की तरफ जा रही है ठीक है मीन्स चावल पक चुके हैं इसमें और गाजर अच्छे से इसमें गल चुकी थी इस स्टेज पे अब सिर्फ दूध ने गाढ़ा होना था और खीर ने पकना था ठीक है तो इसी तरह से आपने जो है टाइम टू टाइम इसको आके चेक करते जाना है इससे क्या होगा कि खीर भी नीचे नहीं लगेगी और हमारी खीर जो है वो अच्छे से गजरेले की जो अच्छे से पक भी जाएगी और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारी खीर रेडी हो गई थी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव मिनट्स हो गए थे ठीक है तो यहाँ पे मैं अब इसके सर पर ही हूँ ठीक है दस से पंद्रह मिनट और, और इसने तैयार हो जाना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ मैं इसको कंटिन्यूसली स्टीट करते जा रही थी हिलाते जा रही थी इसको और यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा एक टाइम ये यह देखें यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल 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 रेडी हो गई थी क्योंकि इसने ना ये देखें चटखारे मारना शुरू कर दिए थे ये देखें बबल से बाहर आ रहे थे ये बहुत ज़्यादा छीटे हैं इसकी उड़ने शुरू हो जाती हैं जिस प्रोसेस पे दैट मीन्स कि इस खीर रेडी हो गई है अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ ये देखें कितनी थिक हो गई है हमारी ये ठंडी होके मज़ीद और थिक हो जाएगी अच्छा गाजर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं ठीक है तो इतने दूध के लिए मेरे मुझे मेरे हिसाब से इतनी ही गाजर मुनासिब लगती है मुझे बहुत ज़्यादा रेड रेड गजरेला अच्छा नहीं लगता है तो आ, ये हमारी खीर जो है अच्छे से रेडी हो गई है अब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे स्टोव भी मैंने ऑफ कर दिया तो एक बाउल इसमें रेडी हुआ था और दो छोटी सी प्लेट्स थी ठीक है वो निकली थी ठीक है तो ये देखें खीर कितनी मज़े की और गजरेले की खीर कितनी अच्छी रेडी हुई है आ, कलर भी इतना रेडिश की तरफ नहीं है लेकिन आ, गाजरों का आ, जो है होना पेरेंट्स भी उसकी जो है नज़र आ रही है उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छे से है चीनी मैंने आपको बताया था कि पूरा कप चली गई थी और ये ये देखें जी जो आपको एक नज़र आ रहा है ना ब्लैक से ये हमारे इलायची का वो दाना है ठीक है ये आप कह रहे हैं कि खूबसूरती के ऊपर जो नज़र ना लगे उसका तिल है <laughs> तो हमारी गजरेला बहुत मज़े का बहुत अच्छा रेडी हुआ था उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर क्या किया फ़ैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें इन एक नई रेसिपी के साथ फिर से आऊँगी जब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है ढेर सारा ख्याल रखें दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़